भटके जनजाति को आरक्षण की बेहद जरूरत है, ऐसा वक्तव्य सांसद विकास महात्वे ने मंगलवार को आयोजित पत्रकार परिषद में किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की वजह से हमें मराठा और ओबीसी आरक्षण गंवाना पड़ा। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से पत्र परिषद का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर बात करते हुए सांसद विकास महात्मे ने कहा कि राज्य सरकार ने राजश्री शाहू महाराज का नाम लेकर मराठा आरक्षण में घोल किया और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम लेकर ओबीसी आरक्षण से भी हमें हाथ गंवाना पड़ा और अब ऐसा ही कुछ वीजीएनटी के साथ भी हो रहा है। उन्होंने वीजीएनटी के आरक्षण को असंवैधानिक करार किया है, जो सरासर गलत है। वीजीएनटी को आरक्षण की बेहद जरूरत है, ऐसा उनका कहना था। आणि हे ॲफिडेव्हिट मध्ये लिहून देतात आहे, म्हणजे यांचं बोलणं, यांचा खरा आपण ॲफिडेव्हिट मध्ये नेहमीच आपल्याला शपथपूर्वक लिहून द्यावं लागतं की खरं काय आहे आणि या सरकारच्या मनातलं खरं काय आहे ते कागदांवर आलेलं आहे शपथपत्रात आणि त्यांचा खरा चेहरा जनतेसमोर बाहेर आलेला आहे। आणि जोपर्यंत हे मागास वंचित लोकांना यांनी जे शपथपूर्वक लिहून दिलेलं आहे ते पूर्णपणे जर दुरुस्त करत नाही, पुन्हा शपथपत्र नवीन सरकार कोर्टात सबमिट करत नाही, तोपर्यंत हा लढा चालू राहील। आणि आज आम्ही हे निवेदन कलेक्टरांना देणार आहे आणि यासाठी आमचा लढा सातत्याने राहील। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक राज्य सरकार अपने शपथ पत्र में बदलाव नहीं लाती तब तक इसका विरोध उनकी ओर से किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवार, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।